रुकते हैं प्रदेश की ओर। कोल वैली नर्सिंग संस्थान की छात्राओं ने बिलासपुर अस्पताल में नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से कोरोना वायरस के बारे में लोगों को जागरूक किया तथा कोरोना वायरस के फैलने के प्रति भी समझाया गया। कोल वैली नर्सिंग संस्थान की छात्राओं ने बताया कि कोरोना वायरस का संबंध वायरस के ऐसे परिवार से है जिसमें संक्रमण यानी इन्फेक्शन, जुकाम, सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्या का सामना करना पड़ता है। कोल वैली नर्सिंग संस्थान की छात्राओं ने बिलासपुर अस्पताल में नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से कोरोना वायरस के बारे में लोगों को जागरूक किया तथा कोरोना वायरस के फैलने के प्रति भी समझाया गया। कोल वैली नर्सिंग संस्थान की छात्राओं ने बताया कि कोरोना वायरस का संबंध वायरस के ऐसे परिवार से है जिसमें संक्रमण यानी इन्फेक्शन, जुकाम, सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्या का सामना करना पड़ता है। उन्होंने लोगों को जागरूक करते हुए बताया कि ऐसा वायरस कभी पहले नहीं देखा गया है और इस वायरस का संक्रमण दिसंबर में चीन के वुहान से शुरू हुआ और ये चमगादड़ का सूप, कोबरा का मांस और केकड़े के खाने की वजह से फैला है और इसकी शुरुआत चीन के जंगलों से हुई है और चीन में 700 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है जबकि हजारों की संख्या में अभी भी हालत नाजुक बनी हुई है और भारत में भी इसके लक्षण फैल रहे हैं, जिससे बचने के लिए हमें जागरूक होना पड़ेगा तथा हमें खाना खाने से पहले अपने हाथ मुंह अच्छी तरह साफ कर लेने चाहिए तथा खाने की चीजों को साफ पानी से धोना चाहिए तथा छींक बुखार आने पर अस्पताल से उपचार लेना चाहिए के प्रति लोगों को अवगत करवाया और इसके प्रति जागरूक होने को भी कहा।